जोशीमठ में दरार, बचाव में सरकार। जी हां, जोशीमठ में आई दैवीय आपदा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि जल्द ही प्रभावित लोगों को राहत मिल सकती है और इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 3 मई को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। और आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवार को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की PDNA टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। और वहीं इस मामले में विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर नहीं है और ये बैठकें सिर्फ एक दिखावा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा के बाद अब प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के प्रयास में केंद्र और राज्य सरकार लग गई है। इस संबंध में 3 मई को नई दिल्ली में जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की PDNA टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। बता दें कि केंद्र की PDNA टीम ने 4 दिन जोशीमठ में रहकर इसके प्रभावित हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम 26 अप्रैल को दिल्ली लौट गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में PDNA की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ राहत पैकेज पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं BJP का कहना है कि सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के लिए मदद कर रही है और केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में और जोशीमठ जो आपदा आई, अभी तक के राहत पैकेज में सबसे अच्छा राहत का पैकेज जोशीमठ आपदा में सरकार के द्वारा दिया गया है। और जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ के लोगों के, चाहे व्यापारी लोग हों चाहे वहाँ के वासिंदे जो भी रहें जो आपदा से प्रभावित हुए, उनके भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके उनके राय से उनको राहत पैकेज दिया गया है। और हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और हमारे केंद्र की सरकार स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आगे हमारे प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी जो है राहत पैकेज की मांग की है जोशीमठ के लिए। निश्चित रूप से केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। इस बैठक में PDNA वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञों और उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहत पैकेज पर मुहर लग सकती है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ आपदा को लेकर गंभीर नहीं है, यदि होती तो अब तक प्रभावितों तक मदद पहुंचा दी जाती। इंतजार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, कई 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से लिया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ राज्य की सरकार गंभीर होती तो 1 साल तक तो रैणी की आपदा के बाद इंतजार होता रहा, उसके बाद पिछले इतने लंबा समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और पूरा जोशीमठ जिस तरह से दरका है, जिस प्रकार से दरारें वहाँ आई हैं, जिस प्रकार से आज की तारीख में भी दरारें आ रही हैं, जिस प्रकार से वो पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है, वहाँ की आबादी खतरे की जद में है, राज्य की सरकार गंभीर है नहीं, सबको मालूम है। बैठकों पर बैठ के इसके अलावा सरकार क्या कर रही है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन से आपदा की शुरुआत हुई, उत्तराखंड क्रांतिकारी ने प्रखर रूप से हर मंच में सरकार को की चेतना के लिए जागरूक करने के लिए इस विषय को उठाया है। और उसी के तहत जब ये कार्यक्रम बना तो मुख्यमंत्री जी का स्वयं वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने जानकारी ली। उसके बावजूद आज तक 4 महीने हो गए, जो ये मुआवजा नीति है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाई। वहाँ के लोग अब तक असमझ में हैं, लगातार मीटिंगें हो रही है, वहाँ के गांव के लोगों को, वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है, उसके बावजूद अगर अब तक ये नीति नहीं बनी है, ये तो कुदरत का करिश्मा है। मानिए कि कोई ऐसी भारी विपदा अब तक नहीं आई है। अगर किसी तरीके का कोई
प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सरकार को जितना समय दिया गया था वो समय में नहीं मिल पाता। मैं चाहूँगा कि आगामी तीन तारीख को जो है जितनी जल्दी हो सके मुआवजा, कितना मुआवजा मिलना है, किस हिसाब से मिलना है, सही ढंग से उनका विस्थापित होना चाहिए, समय पे उनका विस्थापन होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड की निगाहें 3 मई को होने वाली इस बैठक में टिक गई हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभवतः इस बैठक में प्रभावितों के लिए आपदा पैकेज पर भी मुहर लग जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीड़ितों तक सही से सरकारी मदद पहुंच पाएगी? क्या केंद्र उत्तराखंड के लिए 3,000 करोड़ के राहत पैकेज पर मुहर लगाएगा? क्या जोशीमठ के अलावा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के घरों में आ रही दरारों को भी सरकार भरने का काम करेगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं।